इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया, खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। राजस्थान सरकार ने सरकारी विभागों में फैले करप्शन को खत्म करने के लिए एक नया फरमान जारी करने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अब सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। गहलोत ने यह आदेश जरूरी तौर पर सभी विभागों में लागू करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्तियों की ऑनलाइन घोषणा करें ताकि कामकाज में पारदर्शिता आ सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि चाहे केंद्र के कर्मचारी हों या फिर राज्य सरकार के मातहत काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी, उन्हें हर हाल में अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना ही होगा। उन्होंने कहा कि इससे आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में एंटी करप्शन ब्यूरो को काफी मदद मिल सकती है। राजस्थान के सीएम ने कहा कि सरकार के संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के संकल्प में ACB की बड़ी भूमिका है। उन्होंने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि ACB अपनी इंटेलिजेंस विंग को और ज्यादा चौकस बनाकर और मजबूती के साथ काम करे। सीएम गहलोत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकारी विभागों में फैले करप्शन पर रोक लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी तैनात करने की व्यवस्था को और पुख्ता बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने को लेकर तय समय सीमा में इसका फैसला करने के भी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई में देरी से ACB का मनोबल गिरता है और करप्शन को बढ़ावा मिलता है। इस मामले पर सीएम गहलोत ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें वो मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस कदम से तमाम सरकारी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों में खलबली मच गई है, क्योंकि राजस्थान में अक्सर रिश्वतखोरी के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन सीएम का ये आदेश लागू होते ही भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी अब अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।